दिनों भारत बंदी को लेकर जबरन दुकान बंद करने वाले 40 लोगों के खिलाफ कानपुर के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सफायर में सपा नगर अध्यक्ष फसल महमूद समेत 40 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल इन सभी लोगों ने बिना अनुमति भारत बंद का आह्वान कर सरकार विरोधी नारेबाजी की थी। एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया और दुकानदारों के दुकान को जबरदस्ती बंद कराने का प्रयास किया गया, जबकि धारा 144 लागू थी पहले से ही। इसके लिए उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पौड़ी शहर में युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति को देखते हुए स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ खासा आक्रोश नजर आ रहा है। यही कारण है कि स्थानीय लोगों ने एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह से मुलाकात की। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसे रोकने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। हमारी जो युवा पीढ़ी है नशे की तरफ लिप्त होती जा रही है, और कुछ दिनों पहले एक केस आया था जिसमें ऐसे ही युवाओं ने किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और वो ये हादसा होने से टला है। तो मैंने सर से यही आश्वासन लिया है कि सर अगर आगे भविष्य में इस प्रकार की हरकतें होंगी तो उसके जिम्मेवार कौन रहेगा? पुलिस प्रशासन रहेगा। और अगर आप थोड़े से स्ट्रिक्टली 7 बजे के बाद अगर आप ये स्ट्रिक्टली रूल बना दें कि कोई भी नशे की हालत में पाया गया कोई भी युवा हो चाहे कोई भी हो उनको आप तुरंत ही उन पर कार्रवाई करें, तो शायद से आगे इस तरह प्रकार की जो घटना परसों होने से बची है ना हो पाएगी संभव। कन्नौज में दबंगों ने उखाड़ी इंटरलॉकिंग सड़क। गरीब मजदूर के घर जा रही सड़क उखाड़ कर फेंक दी। मजदूर की पत्नी थाना दिवस में पहुंचकर की शिकायत। सदर कोतवाली क्षेत्र के बदलपुरवा गांव में दबंगों के हौसले बुलंद है। सड़क उखाड़ने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता गीति देवी ने गाँव के दबंग प्रमोद राजकुमार रामचंद्र और सूरज उर्फ गुंडा पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में मिर्जापुर बंद घंटाघर के मैदान से निकाली गई विशाल जनाक्रोश रैली। रैली के पहले मैदान में उपस्थित जनसमूह को वक्ताओं ने किया संबोधित। मिर्जापुर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और उसके उपासना स्थल को तोड़े जाने के विरोध में मिर्जापुर के सभी व्यापारिक संगठनों द्वारा मिर्जापुर बंद का आह्वान किया गया था। पीलीभीत की पुरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गाँव पिपरिया जयभद्र निवासी मुस्लिम समुदाय के लोगों के आधा दर्जन घरों पर पोस्टर लगे हैं, जिसमें लिखा है दबंगों के खौफ में मकान बिकाऊ है। शनिवार को पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि 17 अगस्त की शाम को बच्चों के विवाद में दूसरे समुदाय के दर्जनों लोगों ने एक राय होकर हाथों में लाठी डंडे धारदार हथियारों से लैस होकर घर में घुसे और घर के लोगों के साथ मारपीट की। सर यहाँ दबंग बहुत परेशान कर रहे हैं और थोड़े दिन 2-4 दिन पहले यहाँ लफड़ा हुआ तो दबंगों ने आके घर में घुस के मारा। हमारे माँ बाप इस समय जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। ऐसे आज इन्हें मारा कल और किसी को मारेंगे साहब। इस तरीके से हम यहाँ रहना नहीं चाह रहे, इसलिए मकान बेच रहे हैं। पुलिस के द्वारा वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से और निशानदेही पे 9 चोरी की मोटरसाइकिल 4 किलो तांबे का तार एक फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गई है। पुलिस लाइन से सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी दिहा सागर जैन ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक रोकड़ी के कुशल नेतृत्व में थाना नकुल पुलिस टीम द्वारा गश्त चेकिंग के दौरान ये कामयाबी हासिल की गई। अभी फिलहाल इनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिल एक 4 किलो का जो तांबे का तार मिला हुआ है, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स और इधर उधर से ये लोग चोरी कर लेते हैं। उन्होंने बताया उसका भी हम लोग दिखवा रहे हैं कि कहाँ पे मुकदमा पंजीकृत है, और साथ ही इनका एक फर्जी नंबर प्लेट्स भी हमें बरामद हुई हैं। ये सारी धाराओं का हमने समावेश इस मुकदमे में कर दिया गया है। कानपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां कल्याणपुर थाना क्षेत्र निवासी दलित महिला ने पुलिस कमिश्नर को एक शिकायती पत्र सौंपकर कल्याणपुर थाना अध्यक्ष और नवशील धाम चौकी इंचार्ज और 2 दारोगाओं पर बेटे को रात भर बेरहमी से पीटने और जूते में पानी पिलाने का आरोप लगाया, और साथ ही मारपीट के मामले में पुलिस चौकी में सुलह कराने के लिए 10,000 रुपए की घूस न देने पर युवकों को पीटने उनके साथ आम मानवीय व्यवहार किए जाने का भी आरोप महिला ने लगाया है। देखिए इसकी जाँच ACP कल्याणपुर द्वारा की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो संज्ञान में आया है इसमें दोनों पक्ष एक ही बिरादरी के हैं और ये ई रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा पर सवारी को बिठाने को लेकर आपस में लोगों में झगड़ा हुआ था।